हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ मजे में चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप गूगल पे अपना नाम सर्च करो और आपके नाम के साथ साथ आपके सारे इन्फॉर्मेशन गूगल में अवेलेबल हो जाए, जैसे कि अगर आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, अगर आप इन सारी चीजों को यूज कर रहे हो और वो सब भी वहाँ डिस्प्ले हो जाए, आपका ईमेल आईडी डिस्प्ले हो जाए, आपका फोटो डिस्प्ले हो जाए, सब कुछ डिस्प्ले हो जाए एक कार्ड के रूप में, तो कैसा रहेगा? दोस्तों, गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जहां आप गूगल पीपल कार्ड क्रिएट कर सकते हो, खुद का एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर सकते हो। और अगर कोई बंदा आपका नाम सर्च करेगा तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन गूगल में दिखाई देगा। अगर आप इस चीज को बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ गोविंद स्वागत करता हूँ आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि गूगल पीपल कार्ड बनाने के लिए आपको एक मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। आप इस प्रोसेस को डेस्कटॉप, पीसी या फिर अपने कंप्यूटर पर नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका सिर्फ मोबाइल वर्जन लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ आपके मोबाइल का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में सेटअप होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है या आप गूगल क्रोम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सर्च बॉक्स में लिखना है एड मी टू सर्च। टाइप करने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर लें, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने नाम से भी सर्च करोगे तो भी आप इसी पेज पे लैंड करोगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पीपल कार्ड, गूगल पीपल कार्ड बनने के बाद दिखता कैसा है। इसके लिए आप यहाँ पे व्यू एग्जाम्पल पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका कार्ड दिखेगा। आपके सारे इंफॉर्मेशन इसमें रहेंगे, साथ ही साथ सोशल मीडिया का लिंक भी रहेगा। आपका वेबसाइट है तो आपको उसका भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप जितने भी ईमेल आईडी इस मोबाइल में यूज करते हो वो सारे ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, जिस भी ईमेल आईडी का यूज करके आप गूगल पीपल कार्ड बनाना चाहते हो आपको इस पे क्लिक करना है। और अगर आप एक नया ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हो तो वो भी आप एंटर करके पासवर्ड से लॉगिन कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक ईमेल आईडी को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ईमेल आईडी बनाया है आज ही, मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना हो सकता है और आपको इंडिया का नेशनल फ्लैग चूज करके एक ओटीपी मंगाना हो सकता है। अगर आपने जिस ईमेल आईडी को उसमें एंटर किया है उस ईमेल आईडी पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर रजिस्टर्ड पहले से है, लिंक है आपके मोबाइल नंबर से आपका ईमेल आईडी, तो आप डायरेक्टली इसी पेज पे लैंड करोगे, अन्यथा आप एक अलग पेज पे लैंड करोगे जहां आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगाना पड़ सकता है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप जब नेक्स्ट करोगे तो सेम टू सेम आपके सामने यही पेज ओपन हो जाएगा जो मेरे मोबाइल पे अभी खुला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ चेंज अवतार का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर एक पिक लगा हुआ है। दोस्तों, ये पिक मेरे गूगल अकाउंट से बाय डिफॉल्ट आया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज अवतार पे क्लिक करें और फोटो को चूज कर ले गैलरी से और चेंज कर लें। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप देख सकते हैं नेम में भी मेरा ईमेल आईडी में जब मैंने बनाया था गूगल अकाउंट, जो भी नाम मैंने वहां डाला था वही नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो मैं इसे अभी चेंज नहीं कर सकता हूँ। लोकेशन में आप एक लोकेशन यहाँ पे एंटर कर लें, मैं एक लोकेशन यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ अबाउट सेक्शन में अपने बारे में कुछ बताना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद आपको नीचे एक ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क का एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप वर्क कर रहे हो कहीं तो आप उसका यहाँ पे नाम एंटर कर दो। दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पे ऊपर के जो चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं चारों एस्ट्रिक हैं, आपको वो फिलअप करने ही होंगे। नीचे आप वर्क का डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। एजुकेशन पे आप क्लिक करें, आपने जहां से एजुकेशन प्राप्त किया है उसका नाम यहाँ पे एंटर करें।
उसके बाद होम टाउन में आप अपना होम टाउन यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद आप क्या करें, वेबसाइट में आपका कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। दोस्तों एक और ऑप्शन है यहाँ पे सोशल प्रोफाइल का, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से फेसबुक चूज करो और अपने फेसबुक का यूआरएल यहाँ पे डाल दो। उसी प्रकार से अगर आपको मन है अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देने का तो आप वो भी दे सकते हो, अगर आप चाहो तो ट्विटर का दे सकते हो, इंस्टाग्राम का दे सकते हो, किसी भी चीज का आप दे सकते हो। इसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है किस प्रकार से दिखेगा आपके गूगल सर्च में। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मैंने अभी इसको अच्छे से बनाया नहीं है इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है, आप जब बनाओगे तो काफी अच्छा दिखेगा। फिलहाल मैं सेव करता हूँ, जैसे ही मैं सेव करूंगा ये सेव हो जाएगा और व्यू सर्च कार्ड पे जब मैं क्लिक करूंगा उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, स्टूडेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और बायो लिखा हुआ है, होम टाउन लिखा हुआ है। दोस्तों उसके बाद अगर आपको ये डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रोल करके नीचे आना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमूव माई सर्च कार्ड फ्रॉम गूगल, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिलीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करोगे आपका जो कार्ड है रिमूव कर दिया गया होगा, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप गूगल पीपल्स कार्ड में अपना नाम ऐड कर सकते हो, अपना सारा डेटा ऐड कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।